खबर चमोली से। पारंपरिक लोक संस्कृति और स्थानीय मांगलिक गीतों की प्रतियोगिता में महिलाओं ने किया बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग। आज उत्तराखंड के तमाम रीति रिवाज, तीज त्योहार, पारंपरिक मिलनसार सांस्कृतिक धरोहर दिनों दिन पाश्चात्य सभ्यता की देखा देखी करते हुए क्षीण हो रहे हैं। फुहड़ता को शब्दों से पिरोकर समाज के बीच परोसा जा रहा। आने वाली पीढ़ियों को अपने पूर्वजों की मजबूत संस्कृति धरोहरों की जानकारी ना के बराबर है। वहीं अब कुछ लोगों ने आगे आकर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कदम उठाए। इस क्रम में पिंडर घाटी बहुउद्देशीय विकास और सांस्कृतिक समिति थराली ने स्थानीय स्तर पर देव और मांगलिक कार्यों के दौरान गाए जाने वाले मांगलिक गीतों के संरक्षण के लिए एक अभिनव प्रयास करते हुए गाँव गाँव जाकर महिलाओं को अपनी संस्कृति को बचाने की मुहिम के तहत अब मांगलिक गीतों की प्रतियोगिता करने का बीड़ा उठाया। दरअसल यहाँ की संस्कृति की मजबूत पहचान है देव और मांगलिक कार्यों के समय गाए जाने वाले मांगलिक और लोकगीतों से। अब धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति के पांव पसारने के चलते समाप्ति की कगार पर है। संरक्षण के लिए अब यहां कार्य प्रारंभ हो चुके। पिंडर घाटी बहुउद्देशीय विकास और सांस्कृतिक समिति थराली के प्रेमचंद देवराडी ने बताया, अब तक उनकी समिति ने 37 महिला मंगल दलों को मांगलिक गीतों की प्रतियोगिता में शामिल करने में सफलता हासिल की। लगातार उनकी आपस में प्रतियोगिता कराई जा रही। बड़ी उम्र की महिलाएं नई पीढ़ी की महिलाओं को पुराने भूले बिसरे मांगलिक गीतों को सिखा रही हैं। सबसे पहले मैं बधाई संस्था भाई प्रेम देवराड़ी जी का और प्रदीप गुरुला जी का, इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन लोगों ने एक ऐसा कदम उठा रखा कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, जो कि हमारी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। हम लोग आजकल फोन पे, व्हाट्सएप पे, टीवी पे, फेसबुक पे जो है लाइव चल रहे हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृतियाँ हैं उस संस्कृति को हम ये आधुनिक युग में भूलते जा रहे हैं। तो इस संस्कृति को इन्होंने बचाने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया, बहुत अच्छा प्रयास है, इसके लिए ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारी टीम को धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम उन्होंने इस मंच पर अपने कार्यक्रम को रखने के लिए बुलाया और उसके बाद मैं सर्व अपने गांव के श्री पुरोहित जी को भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें यहां इस मंच तक लाए। उनका हमारे लिए बहुत बहुत प्रयास था कि आप आगे आएँ, हमारे गांव की महिला मंगल दल आगे आएँ और अपने जो हमारी पौराणिक प्रथा है उस प्रथा को बचाए रखें, क्योंकि आजकल ये अंग्रेजी ज़माना, इंग्लिश गाने, ये अंग्रेजी पूरा जो भी आ रहा है, तो हमारी रीति रिवाज जो है उसमें विलुप्त हो रही है। उसको बचाए रखने के लिए उन्होंने हमें जागृत किया और हमें इस मंच तक लाए और आज मैं जो भी ये है कि आज हम यहाँ पर प्रथम स्थान पाया है, हमने आशा करती हूँ कि इस प्रथम स्थान को हम आगे तक ले जाएं और अपने गांव का, अपने श्री पुरोहित जी का नाम आगे ले जाएं जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। धन्यवाद। ये मांगल गीत प्रतियोगिता है, इसमें खास तौर से जो संस्कार हैं हमारे, चाहे वो विवाह के संस्कार हों, वो चूड़ा कर्म के हों या यज्ञोपवीत के हों या अन्न प्राशन के हों, इन अवसरों पर हमारे जो पिछले वक्त रहा है, बीता हुआ समय रहा है, उसमें लोग गाते थे। मैंने सुना है मेरी दादी बहुत सारे मांगल गाती थी, लेकिन आज जो है समय की विडंबना है कि लोग उन संस्कारों के टाइम पर कोई भी मांगलिक गीत नहीं गाए जा रहे हैं, और यदि कोई गा भी रहे हैं तो वो छूटे पीटे टूटे फूटे से गीत आ रहे हैं और उसी को हम पूर्ण मान रहे हैं, और एक बिगड़ा हुआ स्वरूप जो है हमारे आने वाली पीढ़ी के सामने इसका जा रहा है। तो हमारे मन की एक पीड़ा थी कि हम बहुत सारे मंचों पर जाते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमें जाने का अवसर मिला, वहाँ पर बहुत सारे अन्य राज्यों से या अन्य जिलों से जो है बहुत सारी महिला मंगल दल मांगल गीतों को लेकर जाती हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र से इस प्रकार की कभी भी हमने देखने को नहीं मिली। तो हमने एक प्रयास किया, लोगों से बात करी, महिला मंगल दलों से लोगों का इंटरेस्ट हमें लगा, और हमारा प्रयास है कि इसमें जो सयानी महिलाएँ हैं यानी जो वृद्ध महिलाएँ हैं उनके पास जो भी है उसको नई पीढ़ी तक पहुँचाने का एक प्रयास करें, और इसी भी प्रयास है कि हम इन लोगों के द्वारा जो मांगल गीत गाए जा रहे हैं वो किन किन अवसरों पर गाए जाते हैं उसका भी हम एक प्रारूप तैयार कर रहे हैं, ताकि वो एक हम एक पुस्तिका लिखने के इसमें मन बनाकर बैठे कि हम पूरे क्षेत्र से जो भी बहुत सारे, अभी हमने जो करीब 40 ग्राम सभाओं को इसमें हमने सम्मिलित किया, उन 40 ग्राम सभाओं से भी बहुत सारे ऐसे संस्कार गीत थे जो अभी तक हमें मिले ही नहीं, लेकिन बहुत सारे अच्छी कलेक्शन हमें मिली, बहुत पुरानी कलेक्शन मिली, लेकिन बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जिन अवसरों पर गाए जाने वाले मांगल गीत हमें नहीं मिले, उनके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि हम उनको भी ढूंढ करके एक मांगल गीत की एक किताब लिखेंगे जो कम से कम हमारे क्षेत्र के जितने भी महिला मंगल हैं उन तक पहुँच सके, और उनके धुनों को भी हम जो है लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ
बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।